तो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो यार आज की वीडियो एक हॉरर वीडियो होने वाली, तुमने थंबनेल में देख लिया होगा। लेकिन हाँ, बाकी वीडियो की तरह मैं नहीं डरने वाला भाई, तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स डरने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरे अलावा दूसरे भाई। यार हमेशा फेवरेट यूट्यूबर्स की लिस्ट में मुझे मत लाया करो यार। वेल, तो हम आज देखने वाले हैं कुछ यूट्यूबर्स की ऐसी मूवमेंट्स जो कि उनकी लाइफ की सबसे ज्यादा स्केरिएस्ट मूवमेंट थी, एंड आई एम रियली श्योर कि डेफिनेटली रही होंगी यार सच में। तो मेरे पास एक वीडियो है हॉरर इंसिडेंट ऑफ यूट्यूबर्स जो कि टेक यूनिक भाई ने बनाई है। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक मैंने ऑलरेडी कर दिया है। वेट, ऑल पे कर देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। बाकी चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सौरव जोशी के साथ ये क्या हुआ कि अगर वो इस चीज को देखेंगे तो वो वीडियोस डालना ही बंद कर देंगे? रोनाल्डो के साथ ये ऐसा क्या हो रहा था जिसे देखने के बाद आपको रोनाल्डो की चिंता होने लग जाएगी? कोई ऐसी ऐसी चीजें वीडियो में हैं जो लिटरली गूज़बम्प्स देने वाली है, तो इसे एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। टोमो एंड हीरो, टोमो एंड हीरो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो जापान में घूमकर हॉन्टेड प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। आज उनके जिस वीडियो की बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी हॉन्टेड जगह की है जहाँ पिछले 10 सालों में किसी भी इंसान ने अब तक कदम नहीं रखा था। ये जगह ऐसा घर है जिसमें कभी हंसता खेलता परिवार रहता था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस घर में जाने का कोई नाम ही नहीं लेता। इस घर भाई सच में जापान में ऐसे बहुत ज्यादा प्लेसेस है। अगर तुमने सुना हो तो भाई अभी एक रचित्रो की भी वीडियो आई है। रचित्रो भाई गए थे अभी जापान में एंड उनकी एक वीडियो आई है जहाँ पर उन्होंने एक आइलैंड दिखाया है जहाँ पर भाई वो पूरा आइलैंड ही अबैंडेंड है। मतलब कि वैसे एक दो बंदे मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन वैसे भाई अबैंडेंड है वो, एंड वहाँ पर गए हैं। काफी ज्यादा बढ़िया वीडियो, मतलब जापान में है यार ऐसे, मतलब काफी प्लेसेस है। घर की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। टोमो और हीरो के पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक खास सेगमेंट होता है जिसे वो सोलो इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इसमें वो दोनों अलग अलग होकर चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। सोलो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते ही हीरो चुपचाप अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और टोमो उस घर के सेकंड फ्लोर पर चला जाता है। कुछ देर इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसे एक छोटे से दरवाजे के पीछे किसी लेडी की रोने की आवाज सुनाई देती है। टोमो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है और हिम्मत करके उसे खोलता है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे उसे कोई नहीं मिलता। वो फिर से अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर और एक्सप्लोर करने के बाद टोमो को कुछ फैमिली फोटोज और कपड़े मिलते हैं जिसमें कोई अबनॉर्मल चीज नहीं दिखती है। दोनों काफी देर तक इंतजार करते हैं लेकिन उन्हें कोई अननेचुरल चीज नहीं दिखाई देती है। भाई जापान में ऐसे हॉरर चीजें ना काफी देखने को मिलती है, मतलब कि ऐसे औरत की आवाज आना, लड़की की आवाज आना, लड़के की आवाज आना एंड रोने की आवाज आना, ऐसी काफी ज्यादा कहानियां हैं भाई। मैंने सुनी है, खुद सुनी है भाई काफी ज्यादा कहानियां। मतलब कि जापान में पता नहीं कहां से लेकिन ऐसी हॉरर टनल, हॉरर बिल्डिंग, हॉरर हाउस, हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड प्लेस काफी ज्यादा भरे पड़े हैं भाई जापान के अंदर। वैसे तो जापान काफी ज्यादा सुंदर है लेकिन डार्क सीक्रेट भी कुछ है ही ऐसे कि मतलब बहुत ज्यादा हॉन्टेड चीजें हैं वहां पर भाई रियलिटी में, एंड वहां लोगों के साथ घटना हुई है भाई। ऐसे में टोमो अपने कैमरे को वही रूम में छोड़कर नीचे चला जाता है और कुछ देर बाद दोनों अपना सारा सामान समेटकर उस जगह से चुपचाप चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस घर में उतना पैरानॉर्मल जैसा कुछ नहीं है जितना लोगों ने उन्हें बताया था, लेकिन उन्होंने जब सारी वीडियोस को गौर से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आइए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। जितनी देर तक टोमो उस रूम में था उतनी देर एक लेडी कोने में चुपचाप खड़े होकर उसे देख रही थी, और उसके जाने के बाद भी काफी देर तक वो लेडी उसी जगह पर बिना हिले खड़ी रही। अब इसका तो एक ही मतलब है कि वहाँ वाकई में एक स्पिरिट थी जो पूरे टाइम टोमो और हीरो को देख रही थी। देखो मैं सच बताऊं, मुझे अभी भी नहीं दिख रही है वो लेडी, लेकिन सच बताऊं तो अभी बता दिया ना भाई ने कि लेडी देख रही है, तो मेरा दिमाग अपने आप एक इमेज बनाने लगा है वैसे तो, लेकिन कंफर्म नहीं हूं कि भाई लेडी है या फिर ये गलत फहमी है। लेकिन लकीली दोनों वहां से सेफली निकल आए। लोकल्स के मुताबिक उस घर में 10 साल पहले एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे रहते थे। सब कुछ ठीक था लेकिन धीरे धीरे लेडी को कोई बीमारी होती है और वो मेंटली काफी कमजोर होते चली गई। मामला इतना बिगड़ गया कि वो लेडी एक साइकोपैथ में बदल गई। उसने सबसे पहले अपने बच्चों को मारा, फिर अपने पति को, सबसे आखिर में खुद की भी जान ले ली। तब से
से अब तक उस घर में उस लेडी की आत्मा अब भटकती रहती है, जिसके डर से कोई भी इंसान उस हॉन्टेड घर में कदम नहीं रखता। नंबर 5, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने अभी अभी यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा है, ये तब की बात है जब रोनाल्डो ने यूवेंटस की टीम ज्वाइन की थी। उस मैच में रोनाल्डो को शुरुआत से काफी अजीब लग रहा था, सारी टीम एक साथ चिल कर रही थी लेकिन वो उनसे अलग किसी और ही दुनिया में खोए हुए थे। मैच स्टार्ट होने से पहले पूरी टीम एक साथ स्टेडियम में गई लेकिन रोनाल्डो आखिर में अकेले आए। इस बीच जब वो स्टेडियम के टनल में लगे क्लब के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, उन्हें पीछे से किसी ने बुलाया। पहले बार तो उन्हें लगा कि स्टेडियम से किसी फैन की आवाज़ है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी। यहाँ मैच स्टार्ट हुआ लेकिन रोनाल्डो का मन अभी भी उस आवाज की तरफ ही था। उन्हें रह रहकर क्लब के लेजेंड्स के चेहरे भी दिखाई देने लगे। मैच 78 मिनट में पहुंचा जब रोनाल्डो को एक पेनल्टी शूट करने का मौका मिला। रोनाल्डो ने जैसे ही उस गोल को कंप्लीट किया, उन्हें अचानक से वो आवाज सुनाई देना बंद हो गई। लेकिन भाई ये स्टोरी एक्चुअली में एक यूजर ने लिखी थी। ऐसी स्टोरीज एक्चुअली एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। हाँ भाई, मैं समझ गया, ये रेडिट वाली स्टोरी होगी कुछ फिर तो शायद। मतलब ऐसे डोरेमोन के ऊपर, शिनचैन के ऊपर या फिर एनिमे करेक्टर्स के ऊपर भी कई स्टोरी मिल जाएंगी तुम्हें अगर तुम रेडिट पे या किसी ऐसी वटपैड नाम से एक एप्लीकेशन है वहाँ पर जाकर देखोगे तो। मतलब मैंने खुद पढ़ी है काफ़ी ज़्यादा, तो हो सकता है अगर मतलब रोनाल्डो ने ऐसी चीज़ खुद शेयर नहीं की तो भाई ये फेक है। कोई एविडेंस के तो ये कितनी सच है ये तो रोनाल्डो को ही पता है। नंबर 4, ब्लैक स्टोरी। कुरो जापान की एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इन्वेस्टिगेटर है। उन्होंने जापान के सबसे हॉन्टेड में काफी ज्यादा माल मसाला है भाई घोस्ट से रिलेटेड। मतलब वहां पर तुम्हें चलते फिरते भूत देखने को मिल जाएंगे अगर तुम एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कुछ संस्था में लगे हुए हो तो। मतलब तुम्हें देखना आता है तो भूत को देखो, भूत हो या ना हो, लेकिन वहाँ पर मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि कई नेगेटिव एनर्जी वाले प्लेस जरूर है। अब मुझे नहीं पता कि वो नेगेटिव एनर्जी भूत ही है या फिर कुछ वैसे ही नेगेटिव एनर्जी। जगहों पर जाकर वहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टिगेट भी किया है। आपको इनके यूट्यूब चैनल ब्लैक स्टोरी पर कई डरावने और हैरान कर देने वाले वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन उन सब में उनका सबसे खतरनाक और रिस्की था वाकायामा का हॉन्टेड टनल। इस टनल के बारे में मैंने बोला था भाई, हॉन्टेड टनल जापान में ना हो भाई, ऐसा हो नहीं सकता। जापान में काफी ज्यादा हॉन्टेड टनल है, हॉन्टेड हाउस है, हॉन्टेड घर है। कहा जाता है कि इस टनल में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह सिर्फ एक लेडी है। जी हाँ, एक लेडी जो सफेद कपड़ों में अचानक लोगों की गाड़ियों के सामने आ जाती है, जिससे वहाँ कई सारे फेटल एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। ऐसे में वहाँ के लोकल्स ने उस टनल को हॉन्टेड बताकर उसे यूज करना ही बंद कर दिया। लेकिन कुरो और उनके एक दोस्त जो कि उस टनल के पास रहता था, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि वो इस टनल को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्होंने जिस रात को चुना उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस टनल के अंदर जाने का सोचा और उसके बाद उनके साथ जो हुआ आप देखकर हैरान हो जाएंगे। वो जैसे जैसे टनल के अंदर जाते गए एक सन्नाटा उन्हें घेर लिया। थाकुन यानी कुरो का दोस्त ये देख के काफी घबराने लगा और उसने डिसाइड किया कि वो चुपचाप कार के अंदर ही बैठा रहेगा। कुरो अकेला ही निकल पड़ा। कुरो जो अंदर इन्वेस्टिगेशन करने में बिजी रहता है, उसे अब तक कोई अबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं महसूस होती। लेकिन थाकुन जो कार के अंदर होता है, उसे अचानक से एक सॉफ्ट फीमेल आवाज सुनाई देती है जो कहती है काइरू यानी गो होम। ये सुनकर थाकुन और ज्यादा पैनिक करने लग जाता है। उधर कुरो पूरे ध्यान से टनल का छप्पा छप्पा एक्सप्लोर कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे भी आवाज सुनाई देती है काइरो। ये सुनकर वो अपने सारी वीडियो कैमरा ऑन कर लेता है। फिर एक फुटस्टेप की आवाज सुनाई देने लगती है। ये सुनकर कुरो डर के कार की ओर भागता है, अपने दोस्तों के साथ सीधा ये घर चला जाता है। घर जाने के बाद ये दोनों दोस्त सारी रिकॉर्डिंग्स और फुटेज चेक करते हैं, लेकिन एक बार में कुछ सस्पिशियस दिखाई नहीं देता। और जो आवाज सुनी थी तेज बारिश की वजह से, वो आवाज भी उनके कैमरे से ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। एक बार आप इस फुटेज को ध्यान से देखिए, क्या आपको इसमें कुछ सस्पिशियस नजर आ रहा है? नहीं ना। बहुत गौर से देखने के बाद उनको कुरो के पीछे एक लेडी दिखाई देती है। और जाहिर सी बात है ये कोई और नहीं बल्कि वही कहानियों वाली लेडी है जिसकी वजह से ये टनल हॉन्टेड कहलाता है। नंबर 3, सौरभ जोशी। इंडिया के ये एक ऐसे यूट्यूबर है जिनके व्लॉग्स छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े सब देखते हैं, लेकिन कई बार उन्हें पता नहीं लगता कि उनके आसपास की चीजें कुछ अनयूजुअल हो रही हैं, जैसे कि ये वीडियो। इस वीडियो में सौरभ रात के 1:30 बजे बस स्टॉप से घर जा रहे हैं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनके आसपास कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक कुछ सेकंड्स के लिए उनके पीछे एक आदमी दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। ये उन्होंने
नहीं एक्चुअली मैं सच बताऊं तो ये व्लॉगिंग में एक कट है बेसिकली, जो कि मतलब पहले वो आदमी था फिर ये दूसरी क्लिप है भाई, एंड बीच में कट है वो, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं सच बताऊं तो, लेकिन बाकी तुम कमेंट्स करके बता देना, मुझे पता नहीं है पूरा। खुद भी रियलाइज नहीं किया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उनके कई फैंस ने उस आदमी के रियल होने पर सवाल उठाया। उनके मुताबिक जो आदमी सौरव की वीडियो में दिखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। वैसे आपका इस पे क्या कहना है? देखो मुझे पता नहीं है कि ये कट है या फिर नहीं है, अगर मैं वीडियो देखूं तो बता सकता हूं, लेकिन वैसे मुझे कट लग रहा है, दो अलग क्लिप लग रही है। वैसे मैंने ये व्लॉग देखा है सच बताऊं तो, मैं देखता हूं भाई। नंबर टू द तानी शो। कुछ सालों पहले तानी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उनके घर में एक छोटे बच्चे की आत्मा मंडराती है और सालों से वो उनके साथ ही रह रहा है। ये बात उनके पूरे घर वालों को पता है। उनके घर के हर एक मेंबर के साथ कभी ना कभी ऐसा इंसिडेंट जरूर हुआ है जिससे उस आत्मा के होने का सबूत मिला, लेकिन उनके इस बात को ना तो आस पड़ोस वाले यकीन करते हैं ना ही उनके दोस्त। तानी शो ने उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की लेकिन उनका मजाक उड़ा देते थे, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे सबको उनकी बात पर भरोसा हो गया। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन तनीशो अपने घर में अकेली थी और ऐसे टाइम पे उन्होंने कुछ रील्स रिकॉर्ड करने का सोचा। रील्स बनाने के बाद जब तनीशो सारे रील्स चेक कर रही थी तब उसमें उन्होंने एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज नोटिस की। उनके सारे रील्स में साफ देखा जा सकता था कि उनके सोफे पर कोई बैठा था। उनके हर वीडियो में उनके चश्मे से किसी आदमी का रिफ्लेक्ट दिखा जो उनके सोफे पर बैठा नजर आ रहा था, पर जैसे कि तनीशो ने कहा तब उनके घर में उनके अलावा कोई और नहीं था। तो क्या रिफ्लेक्शन वाकई में किसी भूत का था? नंबर वन वैंडर्स हब। अगर आप ट्रिगर्ड इंसान को फॉलो करते हैं तो इनको भी जानते ही होंगे। ये प्रेरणा मलान है, निश्चय और अभिषेक मलान की बहन। इनके यूट्यूब पे लगभग 3.2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। इन्होंने भी अपने साथ हुए एक हॉरर इंसिडेंट का जिक्र किया। दरअसल प्रेरणा और उनके पति हर्ष एक ट्रिप पे उत्तराखंड जा रहे थे जहाँ बीच रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा गेट दिखा जो देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन एक कब्रिस्तान का गेट था। इसके बावजूद दोनों पति पत्नी अपने आप को रोक नहीं पाए और वो इस गेट के अंदर चले गए। कुछ देर जाते ही प्रेरणा को पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा और वो नीचे गिर गई। जब वापस उठी तो उन्होंने देखा कि वो किसी ओलिविया नाम की औरत के ग्रेव के पास खड़ी थी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनके पति उनके पास नहीं थे और तो और वो बड़ा सा गेट भी अपने आप बंद हो गया। प्रेरणा काफी डर गई और वापस गेट की ओर भागने लगी, लेकिन वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रही थी। ऐसा लगा कि उन्हें किसी ने पकड़ रखा है। थोड़ी देर बाद वो गेट अपने आप खुला और दोनों पति पत्नी वहाँ से जैसे तैसे निकल गए। मैं सच बताऊं तो भाई मुझे थोड़ी थोड़ी सी फेक फीलिंग आ रही है इसमें से। बाकी वो वहाँ से चले तो गए लेकिन इस इंसिडेंट के बाद दोनों काफी ज्यादा डर गए और घर जाते ही सबसे इन्होंने एक पूजा रखवाई और सब ठीक हो गया। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर अगर आपके पास कोको कोला की ऐसी खाली बोतल है। ओके भाई वीडियो हो गई खत्म, एंड लास्ट वाला रियलिटी में मुझे काफी ज्यादा मतलब कि फेक लगा सच बताऊं तो, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कि होगा ही नहीं है ऐसा कभी, या हुआ ही नहीं है, या फिर मतलब होता ही नहीं, भगवान है तो शैतान भी है भाई, सभी चीजें हैं ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ। लेकिन भाई कई कई बार मतलब ऐसी चीजें होती है मतलब जिन पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब जिनके साथ हुई है उनको ही पता होता है कि भाई एक्चुअली में क्या हुआ है। बाकी ऐसी बात नहीं है कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूँ भाई, एंड हो सकता है कि मेरे साथ भी कुछ हॉरर इंसिडेंट हुए जो कि मुझे ऑन द स्पॉट याद ना आ रहे हो, लेकिन हाँ अगर तुम बोलोगे तो मैं स्टोरी टाइम बना सकता हूँ एक वीडियो एंड तुम्हें बता सकता हूँ मेरे साथ कुछ हुए इंसिडेंट। बाकी या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए